हेलो जी दोस्तों, देखो हम अब निकल चुके हैं और आज जाम नहीं है क्योंकि आज हम सोचे थे जाम है और अभी तक तो हमें जाम मिला नहीं है, तो अभी हम चल रहे हैं। और मैं आवाज़ इसलिए नहीं करी क्योंकि थोड़ा म्यूज़िक चल रहा है और फिर आप लोगों को पता है कॉपीराइट आ जाता है, तो इसलिए। तो अब घर हमारा ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी दूरी पर है, मतलब 40 मिनट का रास्ता होगा मुश्किल से, तो वहाँ पहुँच जाएँगे और उसके बाद मिलती हूँ आगे जाके। ये देखिए एक गाँव है, गाँव से निकल के हम जाते हैं, शॉर्टकट रास्ता मारते हैं यार हम, तो इसलिए। तो अब गाना चल रहा था तो मैं मज़े में थी, मस्त थी, और हस्बैंड मेरे को बोल रहे हैं कि यार इसको ये तेरे पे कॉपीराइट आ जाएगा, फिर मैंने इसलिए म्यूट कर दिया। तो फिर मैं सोच चलो ऐसे कर लेते हैं, तो चलो। ये यहाँ का हाईवे है और हाईवे है, मतलब देखो कितना खाली लग रहा है ना आप लोगों को, क्योंकि लग ही नहीं रहा है। गाँव आ गया है, ये देख लीजिए यहाँ पे। और जब हम रक्षाबंधन पे आते हैं तो बड़ा जाम होता है यहाँ दोनों साइड, क्योंकि बीच में फाटक बोलते हैं, ट्रेन आती है यहाँ, तो उस वजह से जाम लग जाता है कई बार। ये देखो तो हमारा तो गांव कैसा लगा है बताना मुझे। और जहाँ हम छोटे थे तो यहाँ घूमते रहते थे, यहाँ पे अंदर जाके एक मंदिर है और जिसके मतलब वीरवार को हम यहाँ आते थे मंदिर में गुड़ चढ़ाने, गुड़ चढ़ता था भगवान पे उस पर, यहाँ हम आते थे। और अभी मैं स्कूल दिखा, तो अभी जैसे थोड़ी दूर पे हम चलेंगे तो अब वो स्कूल तो बहुत बड़ा बन गया है, हमारे टाइम पे इतना बड़ा था, और लड़के लड़कियों का दोनों का स्कूल था वो। और दिखाते हैं, तो यहाँ से हम स्कूल से पैदल जाते थे, ये देखो यहाँ से, और मैं यहाँ पे ये रहा हमारा स्कूल जब हम यहाँ पढ़ते थे। सेम ही है, वही पहले जैसा ही है, थोड़ा बहुत ही चेंज हुआ है। और देखो ये बन गया ना रोड, ये यहाँ का था ना। देखो कहते हो जहाँ हम कभी कभी घूमने जाते थे, जैसे कुछ सामान खरीदने जाते, मार्केट जाते, तो हम कहाँ खड़े होते थे तो बस कहाँ आती थी। तो ये देखो ये वो जगह है, यहाँ पे स्टैंड है ये, और यहाँ बस आती थी, तो यहाँ ना बहुत कम बसें आती थी पहले। अब तो यार भीड़ इतनी है, हर घर में गाड़ी हो गई, यहाँ भी गाँव में शहर में हर जगह गाड़ियाँ ही हो रही हैं, और कितना अच्छा यहाँ पर बन गया है, तो इसलिए। ये देखो ये यहाँ पे, और इधर एक स्कूल और है आपको दिखाएं, वो हमारे छोटे भाई यहाँ पढ़ते थे, वो सिर्फ लड़कों का स्कूल था। ये रहा, इस गली में जाके हमारा घर है, तो मैं दिखा, ये यहाँ से हम गाड़ी मोड़ेंगे अभी, बड़ा ध्यान से वो करना पड़ेगा। तो ये देखो यही अंदर जाके, ये देखो सामने, ये देखो खेत है, ये बिल्कुल खेतों के सामने। अभी मैं दिखा दूँ कहाँ है हमारा घर, देखो अब चले। ये जो दुकानें दिख रही है ना, ये हमारा घर है। और ये देखो इधर, ये हमारा घर है। तो अब मैं उतर गई हूँ यहाँ पे अपने गांव में, और देखो कितना मौसम है। और यहाँ पे है क्रिकेट ग्राउंड जहाँ मैच चल रहा है, अगर दिखेगा तो, यहाँ पे टूर्नामेंट होते रहते हैं, ठीक है। तो चलो अब घर के अंदर चलते हैं, जा रही हूँ मैं, कोई सामान नहीं लूँगी, सामान अपने आप उठा के ले। हम आ गए, हमारा स्वागत नहीं करते ये बच्चे हमारे स्वागत नहीं कर रहे हैं, देखो नमस्ते भाई। और हमारा ये है घर यार, ये देखो कितना पुराना सा घर, ये देखो ये हमारा घर, ये हमारे लोग। चलो जी हम आ गए अपने घर, और अब हमें डायरेक्ट खाना खाना पड़ रहा है क्योंकि हम बहुत लेट आए हैं। तो टाइम क्या हो गया, 2:30 बज गए ना, तो खाने में है ये देख घर का अच्छा खाना, और कैसा लगा खाना बता देना। तो अब मैं खा लेती हूँ खाना, मिलती हूँ बाद में। लाल मिर्च घेर लिए, सही हो जाए।
आगे अपनी मम्मी के घर से। यार हम ज़्यादा वहाँ नहीं रुकते गांव में, क्यों नहीं रुकते पता क्या है, वहाँ पे मम्मी पापा नहीं हैं अब, क्योंकि पहले थे जब हम जाते थे तो हम ज़्यादा रुक जाते थे, लेकिन रात तो फिर भी नहीं रुकते थे। और लेकिन अब तो बिल्कुल मन नहीं लगता यार, वहाँ जाते हैं। भाई भाभी अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि अच्छे नहीं हैं, भाई भाभी हैं लेकिन हमसे छोटे हैं और हम सब बड़े हैं, मतलब हम जितनी भी बहनें हैं हम बड़ी हैं तो वो छोटे हैं। तो छोटों के पास देखो इतना ना तो टाइम होता है, क्योंकि वो अब अपने भाई अपना अपना घर का जो भी काम होता है वो करते, क्योंकि आज के दिन छुट्टी नहीं होती और भाभियाँ हैं फिर उनको भी जाना होता है, तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों किसी को परेशान किया जाए। और मेरी आदत है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से कोई परेशान ना हो, और इसलिए ना मैंने सोचा कि नहीं यार अब चलना चाहिए। वो अपने मायके जाएंगे क्योंकि उनके मायके जाना था, वो हमारे वजह से लेट हो रहे थे। और कहते हैं दूर जाना होता तो फिर अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि हरियाणा में जाना होता है, हरियाणा में जाना था उनको, तो इसलिए और कम से कम 2.5 घंटे का रास्ते थे, तो इसलिए मैंने सोचा चलो हम अपने घर चलते हैं और इनको अपने घर जाने दो। तो माई का मतलब अच्छा है लेकिन मम्मी पापा की भी लगता, तो इसलिए हम आ गए सच्ची में इसलिए आ गए। और वहाँ कुछ ऐसा भी हुआ आज, मतलब इतना मन दुखी हो गया ना बहुत ज़्यादा यार, मतलब कहते हैं कि बच्चा ना हो ना तो भी माँ दुखी होती है, और बच्चा होने के बाद जब शादी हो जाती है ना तब भी माँ दुखी रहती है यार। बोलो कैसे यार, मेरी एक सिस्टर है यानी मेरी चाचा की लड़की है यार, हमसे बहुत छोटी है, हमसे मतलब 7-8 साल छोटी है, तो 7-8 साल छोटी है वो। और आज जैसे
तो जल्दी से हम आ गए हैं और जल्दी से आ गया यार अपने घर पे, मस्ती से रहो और खाना पीना बनाओ खाओ। वहाँ खाना मैंने दिखाया आप लोगों को, खाना बन गया था और हम क्योंकि वैसे भी लेट गए थे और मुश्किल से 2 से 3 घंटे रुके हैं और फटाफट हम अपने घर आ गए हैं। और क्या, अब यहाँ पे थोड़ा काम करेंगे। और आज सूट डाला है मैंने, ये सूट डाला है, ये है नायरा कट सूट जो काफ़ी अच्छा लगता है। नायरा कट सूट मतलब ये जब चले थे तभी मैंने ख़रीदा था, लेकिन पहना फर्स्ट टाइम मैंने आज पहना है ये। और जिसका कलर कैसा ये बता देना, सूट कैसा ये भी बता देना। सूट दिखाऊंगी कैसे, अभी दिखाते हुए 2 मिनट रुको आप, अभी मैं सूट दिखा देते हैं आप लोगों को। छिप गए सारे ये है मेरा सूट, मतलब यार बहुत लंबा है ये, देखो मैं पूरा ढक गई हूँ। ये हम पूरा ढक गए सूट से, तो ये हमारा सूट है। कैसा लग रहा बता देना, अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, लेकिन कईयों में तो बुरा बताया है, लेकिन आप बताओ, आप दोस्त अच्छा बता सकते हैं यार, जिसको समझ नहीं आते वो तो कहेंगे अच्छा नहीं है, नहीं अच्छा, तो इसलिए। और बना बनाया था, बनवाने नहीं है इसे, चपना बना बनाया ले आओ सूट। तो चलो जी चलते थोड़ा किचन में काम करते हैं।